अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम, प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ हरे मसाले की बिरयानी। इसके लिए मुझे क्या चीज़ें दरकार हैं, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। और मैंने ये देखे पैन रख लिया था, देखी रख ली थी एक चूल्हे पर, उस पर मैंने 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। एक बड़ा प्याज मैंने फ्राई कर रही हूँ, वो जब हाफ फ्राई हो जाएगा तो उसके साथ मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं डाल रही हूँ। इस प्याज फ्राई करने के साथ साथ मैं सारे गरम मसाले, साबित शाह ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ 1 चम्मच, काली मिर्चें, छोटी इलायची, तेज़पात के फूल, और ये सारी चीज़ें मैं इसके साथ इसमें डालकर फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही हाफ ये डन हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें हल्के मसाले, बहुत कम मसालों में मैं ये बिरयानी बना रही हूँ हरे मसाले की। जिसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने पुदीना और हरी मिर्चें पीस के रख ली हैं, और 1/2 किलो मैंने चावल लिया है, 1/2 किलो मैंने चिकन लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि चिकन भी इसके साथ साथ ही भूनती रहूँगी। ये देखें 1/2 किलो चिकन मैंने डाल दिया इसके साथ, क्योंकि प्याज मेरी हाफ डन हो गई है। इसमें मैं अब डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए चिकन है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रा ज़्यादा जाता है। ये देखिए इसको इस तरह से अभी भून रही हूँ, 2 मिनट तक मैं इसको ऐसे भूनती रहूँगी। तो इसकी कुछ ज़रा सा भुनाई हो जाएगी, तो उसके साथ मैं इसमें क्या क्या मसाले मुझे डालने हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, ये मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ, आप देखेंगे किस तरह से इसको बना रही हूँ। ये देखिए इसके साथ साथ मैं इसमें 2 चम्मच दही भी डाल दूँगी, ज़रा सा मेरी चिकन फ्राई हो जाए तो मैं इसके साथ दही भी डाल दूँ। ये देखिए और ये देखिए चिकन मेरी है, ये हरे मसाला जो मैंने पीस के रखा था, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये भी मैं डाल दे रही हूँ ताकि चिकन में इसका सारा टेस्ट आ जाए। और जब ये भून जाएगा, देखिए मुझे इसमें चावल अलहदा से उबाल के नहीं डालना है, मुझे इसके साथ ही चावल डालना है। तो मैं इसके साथ साथ ही सब चीज़ें डालती जा रही हूँ कि मैंने प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब ये देखिए 3 चम्मच इसके अंदर मैं दही डके डाल रही हूँ। ये देखिए दही भी इसके साथ साथ भून जाएगी। अभी चूल्हा मैंने इसलिए आस्ता किया कि मैंने इसमें दही डाल दिया, ठीक है। बहुत कम मसाले में ये बिरयानी बन रही है, बहुत मज़े की बनेगी। आप देखिएगा चावल अलहदा से उबालूंगी नहीं, जब मेरी चिकन उबल जाएगी तो इसमें जब पक जाएगी चिकन मेरी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चावल दम पर रखूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने सब चीज़ें डाल दी, हरा धनिया, हरी मिर्चें पिसी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 1 चम्मच गरम मसाला के डाल दिए, और बस इसमें ज़रा सी ये लाल मिर्चें डाली हैं बस, और कुछ भी मुझे नहीं डालना। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से भून रही हूँ और नमक डालती हूँ उसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। जुमे का दिन है, बिरयानी तो बनती ही बनती है सबके घरों में। चावल के हिसाब से मैंने नमक भी डाल दिया। ये देखिए अब मैं इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी, इसको मैं इसी में भूनूंगी। इस तरह से भूनते रहेंगे, चिकन भी भून जाएगी, मसाले भी भून जाएंगे, तो मसाले बड़ा इनाम है इसके अंदर। बस हरी मिर्चों का है और हरा धनिया है इसके अंदर, और गरम मसाला, और मैंने थोड़े से हाफ हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं इसको ढक रही हूँ और इसको बना रही हूँ। जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल आई। तो फिर मैं इसमें चावल बॉईल करके चावल डालूँगी, मगर बॉईल नहीं करूँगी मैं, ठीक है। चलिए अब ये देखें चिकन मैं बना रही थी, 15 मिनट मैंने इसको बनाया है, चिकन गल गई है, बहुत अच्छी भून गई है। अब इसके अंदर ये देखिए मैं इसमें चावल डालूँगी और इसको थोड़ा सा बना के इसको फिर मैं दम पे रखूँ। थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। देखिए ये ग्रीन चिकन मसाले का बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होती है, और लेकिन इसमें जो खुशबू होती है, गरम मसाला जो साबित डालते हैं और सौंफ 1 चम्मच डाली, जीरा डाला, तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। अब मैं ये चावल डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा भून के पानी डालूँगी, पानी गर्म है, ठीक है। गर्म पानी मैंने डाला है, चावल मेरे
डेढ़ गिलास थे तो तीन गिलास पानी का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पानी चावल मैंने भिगोए हुए थे तो चावल पानी जो है चावल पानी पी चुके होते हैं थोड़े से उनके अंदर, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो पुलाव ख़राब हो जाता है। तो हमें इसमें मैं इसमें दो गिलास पानी डालूँगी, ठीक है। ये देखें, अब ये तेज़ आंच पे मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये चावल और ये ग्रीन पुलाव कैसे बने। ये देखिए बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। और हमेशा की तरह वही कि आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और खाना बनाइए दिल से अपने बच्चों के लिए, तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है। अभी मैंने चावल को भिगो डाल दिए हैं और दो गिलास पानी के साथ, जैसे ये चावल दम पर आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए चावल कितने खूबसूरत पुलाव बनता है और कितना मज़ा। इसके साथ आप दही का रायता बना लीजिए, ग्रीन चिली वाला, जीरे वाला, कुछ भी बना लीजिए, हरा धनिया और पुदीने वाले रायता बना लीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है। अभी जैसे ही इसमें चावल दम पर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना खुश रंग और कितने ही मज़े के ये चावल बनते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को बहुत प्यार मोहब्बत से शेयर कर लिया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। अभी जैसे ही चावल पक जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे कैसे तैयार हुए। अब देखिए मैंने चावल दम पे लगा दिए, पका रही थी, चावल दम पर लगा रही हूँ अब मैं, तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ कितने खुश रंग कितने अच्छे बने हैं। बस अभी मैं इसको दम पे जब रखने जा रही हूँ 5-10 मिनट के लिए, ये देखिए खिले खिले से चावल हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इसके ऊपर अब आप 1 चम्मच ये घी का डाल दें ताकि इसके चेहरे, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इसमें रौनक से हो जाए, इसमें कोई कलर नहीं जलता इस पुलाव में ग्रीन चावल में, क्योंकि ये अपनी ही शक्ल अपनी ही इसमें ओरिजिनल शक्ल में होता है। तो ये ज़रूर बनाइएगा हरा पुलाव। अब मैं इसको दम पे रखने जा रही हूँ और हरा मसाले का पुलाव बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मुझे आपकी इसी प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, और हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हमें आपका यही फेवर चाहिए। अल्लाह हाफिज़।